नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल और एडिशनल बातें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जाने लव मैरिज होगी या अरेंज, कैसे जाने। तो मैं आपको इसका बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आप देख करके और जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी कुंडली में, हॉरोस्कोप में विवाह के यानी कि लव मैरिज के योग बन रहे हैं या फिर अरेंज मैरिज के बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके सबसे पहले। तो लेट्स गो स्टार्ट द पॉइंट। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। जी हाँ, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारे लिए जो है लव मैरिज है या फिर अरेंज है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र पर। जी हाँ, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, कोई भी है, यदि आपकी हॉरोस्कोप का जो ग्रह है विनस शुक्र, यदि दोस्तों वो मंगल के साथ में यदि बैठा है, जी हाँ, शुक्र और मंगल का योग यदि आपके हॉरोस्कोप में है, तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज होगी। निश्चित रूप से पूरे पूरे 100% जो है आपको आपके योग बनते हैं लव मैरिज के। उसी के साथ में दोस्तों, अगर यदि आपकी कुंडली का जो शुक्र है वो अगर किसी वीक सिचुएशन में है, वीक सिचुएशन का मतलब शुक्र यदि छठे घर में बैठा है और अपोजिट राशिगत बैठा है, सो राशिगत नहीं है, उसके अलावा 8th हाउस में बैठा है, वहाँ पे भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और 12th हाउस में यदि शुक्र जा कर के बैठा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आपकी जो है मैरिज लव मैरिज होगी निश्चित रूप से। इसके अलावा पॉइंट है दोस्तों मंगल का। कुंडली में दोस्तों जब मंगल नीच का हो जाता है या फिर मंगल अष्टम, षष्टम या फिर 12th हाउस में जाकर के बैठ जाता है, तो निश्चित रूप से मंगल जो है आपके जीवन में जो विवाह देगा वो लव मैरिज ही देगा, क्योंकि मंगल की सिचुएशन यदि खराब हो गई तो निश्चित रूप से आपको जो है लव मैरिज देगा। अब आप ये कहेंगे कि सभी ग्रहों के नीच होना या खराब होने, खासकर शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, ये ग्रह अगर वीक हो जाएं तो लव मैरिज के योग बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों लव मैरिज को हमारे शास्त्र के अनुसार और वैसे भी समाज के अनुसार लव मैरिज को एक अच्छा ओहदा नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों लव मैरिज को हमारे धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग और समाज के अकॉर्डिंग भी जो है बहुत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता, लेकिन आज के समय में ये लगभग हर एक दूसरे व्यक्ति के साथ में ये सिचुएशन घट रही है। तो आज के समय में और आज के ज़माने में लव मैरिज को एक बहुत ही कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चित, बहुत चर्चित विषय माना जा सकता है, और हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी जो है लव मैरिज करना चाहता है, करता है, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन चलो इस पर हम बात करते हैं कि और किस तरह के योग बन सकते हैं और क्या क्या योग होते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम जान सकें कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज, इसके बारे में बात करते हैं।
दोस्तों और पॉइंट इसमें है, जब शुक्र और मंगल की स्थिति को मैंने आपसे कहा, शुक्र और मंगल की सिचुएशन, वहीं जो है बृहस्पति, चंद्रमा, गुरु, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और आपका बुध भी इसमें जो है पूरा पूरा कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए लव मैरिज को एक दूसरे तरीके से देखा जाता है, यानी कि उसमें रिस्पेक्ट की भावना बहुत कम हो जाती है उस जोड़े की, जो जोड़ा की लव मैरिज कर रहा है अपनी मर्जी के अनुसार। और वहाँ पर मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वहाँ पर मैरिड लाइफ में काफ़ी कंपैटिबिलिटीज़ जो है वो मैच नहीं करती, और जिसकी वजह से जो है आने वाले भविष्य में कई बार जो है मैं मानता हूँ कि 60-70% जो विवाहित जोड़े होते हैं खासकर लव मैरिज को लेकर के, तो वहाँ पर उनके फ्यूचर में, लव मैरिज में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, ये अक्सर आप भी देखते होंगे। चलो लेकिन और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हॉरोस्कोप में हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज? दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप स्वयं जान सकते हैं। जहां हमने मंगल और शुक्र की बात करी कि मंगल शुक्र की युति यदि हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है विवाह यानी कि लव मैरिज होती है, ये तो कन्फर्म है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र या फिर मंगल, शुक्र मंगल या बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, या फिर चंद्रमा या फिर बुध, ये ग्रह जो हैं अगर हमारे हॉरोस्कोप में छठवें घर में बैठ जाएं, इसके अलावा आठवें घर में चले जाएं या फिर ट्वेल्थ हाउस में चले जाएं, तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विवाह यानी कि लव मैरिज होती है, ये भी कन्फर्म है दोस्तों। इसके अलावा जैसे योग होते हैं मंगल चंद्रमा के, शनि चंद्रमा और मंगल शुक्र, ये तीनों यानी कि दो दो ग्रह की युति जब किसी की हॉरोस्कोप में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में भी जो है विवाह अपनी पसंद से होता है, लव मैरिज होती है। इसी के साथ में दोस्तों और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल दाम्पत्य जीवन को देने वाला होता है। मंगल हर एक स्त्री के लिए, हर एक पुरुष के लिए जो है बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन दे सकता है या फिर दाम्पत्य जीवन को ख़राब कर सकता है। इसलिए दोस्तों मंगल भी जिनके एट्थ होते हैं, ट्वेल्थ होते हैं या फिर वो सष्टम छठवें घर में जाकर के बैठे हैं, या मंगल किन्हीं ग्रहों से संबंधित यदि कोई प्रकोप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रहों से संबंधित यदि मंगल हैं उनके साथ में बैठे हैं, उनसे दृष्टित हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी जो है लव मैरिज के योग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके सेवंथ हाउस को यदि कोई क्रूर ग्रह कहीं से देख रहा है, अपनी सातवीं दृष्टि से राहु देख रहा है या फिर शनि देख रहा है या फिर मंगल देख रहा है या फिर सूर्य देख रहा है, यदि आपके सेवंथ हाउस की राशि जो है और वो राशि उस ग्रह के अकॉर्डिंग जो है वो एकदम डिफरेंट है, शत्रु राशिगत है या सम राशिगत है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर आपको सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो है अच्छा फल नहीं देगा। और मैंने आपको कहा है कि जो लव मैरिज होती है वो एक अच्छा विवाह नहीं है, ब्रह्म विवाह नहीं है, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। यहाँ पर विशेष रूप से चार प्रकार बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में विवाह के, तो उसमें से सबसे पहला और उत्तम विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह वही होता है जहाँ माता पिता अपनी बच्ची के लिए या बेटे के लिए, बहू या बहू के बेटी के लिए दामाद चुनते हैं और माता पिता के अकॉर्डिंग उनके आशीर्वाद के अनुसार जो है विवाह होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। लेकिन जो आजकल जो लव मैरिज का जो सिस्टम है इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, अपनी पसंद से शादी करना, और उसमें कई बार जो है माता पिता भी इन्वॉल्व नहीं होते और अपनी इच्छा से शादी हो जाती है, तो इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और ऐसे विवाह सफल होते हैं, कितने परसेंट होते हैं ये कहा नहीं जा सकता। वहीं दोस्तों मैंने आपको कहा कि
किस तरीके से राहु शनि मंगल सूर्य यदि आपके सेवंथ हाउस को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है या फिर वहाँ पर जो है फल को ख़राब कर देते हैं। सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो फल है वो है विवाह, दाम्पत्य जीवन, अच्छा साथी, इसके अलावा और भी कुछ, लेकिन हम यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं और लव मैरिज की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये ग्रह क्रूर ग्रह उस स्थान को देखते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में जो है विवाह अपनी मर्जी से होता है, यानी कि लव मैरिज होती है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने शुक्र की बात करी, अब एक पॉइंट आपके लिए लास्ट पॉइंट है और वो ये है कि जिस तरीके से शुक्र दाम्पत्य जीवन का को प्रभावित करता है और बताता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, उसी तरीके से दोस्तों देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ देवगुरु बृहस्पति भी, और ख़ासकर ये बात कन्याओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है, और यही बात जो है आती है पुरुषों के लिए भी, लेकिन ये विशेष महिलाओं के लिए है जो मैं कहने जा रहा हूँ। बृहस्पति जिन स्त्रियों का पावरफुल नहीं होता, बृहस्पति वीक होता है, बृहस्पति नीच का है, बृहस्पति ट्वेल्थ हाउस में चले गया या बृहस्पति एट्थ हाउस में अपोजिट राशिगत या शत्रु राशिगत पहुंच गया या फिर बृहस्पति सिस्टम में शत्रु राशिगत बैठा है, तो इस सिचुएशन में दोस्तों ऐसी लड़कियों के, ऐसी फीमेल्स के जो है लव मैरिज होती है। उसी तरीके से बृहस्पति मंगल का योग, देवगुरु बृहस्पति और मंगल का योग, ये योग भी जिनकी हॉरोस्कोप में है, पुरुष हो अथवा नारी, उनके लिए जो है लव मैरिज का योग बनाता है। इसलिए दोस्तों यदि कन्याओं को चाहिए कि अच्छे पति, अच्छे खानदान को उनको मिलना चाहिए और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बृहस्पति को बहुत पावरफुल कीजिए। यदि बृहस्पति नीच है, ट्वेल्थ है, एट्थ है, सिक्स है, तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होगी और आपकी लव मैरिज होगी। यदि आप चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आई ये सारी बातें, तो आप चाहें तो मुझे स्क्रीन पर दिए इन नंबर्स पर, पहला नंबर व्हाट्सएप का है, इस पर आप अपनी हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं और जानना यदि आप चाहें कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर, इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट आप अपने लिए लीजिए और अपॉइंटमेंट के बाद में हम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देंगे, इंडिकेट करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। दोस्तों और अरेंज मैरिज का जो सवाल है वो सीधा सा है कि ये योग, जो योग मैंने आपको बताए हैं वो सारे योग यदि हैं तो निश्चित रूप से आपकी लव मैरिज है, और अगर ये योग नहीं है तो आपकी अरेंज मैरिज है। लेकिन विशेष जानकारी के लिए, अपने पार्टनर्स की हॉरोस्कोप दिखाने के लिए या अपनी हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने के लिए, अपने प्रेडिक्शन जानने के लिए, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी इसको जानने के लिए, आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडलियां या डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, लेकिन यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके सबसे पहले। जय श्री कृष्णा।